जो किचन में सेवा कर रहे हैं वो भी क्वाइट आराम से करें ना इशारों में। तो फिर हिला रहे कुछ भाई। नहीं अभी क्रिच क्रिच आ रही है, देखो आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेरे को अंदर से क्यों सुनाई दे रही है, अंदर कुछ हो तो नहीं है प्रवेश हमारे। ओके एनीवे जय गुरु जी। आप क्लियर है आवाज? हां जी वो कह रहे हैं दूर रखो माइक को इसीलिए आवाज आएगी। सो सारी संगत को बहुत सारी मुस्कुराहट और बहुत सारा प्यार और बहुत क्वाइट, अंदर कोई आवाज नहीं आनी चाहिए प्लीज। वो ना आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, वैसे वाली सेवा होना तब तो मजा आता है, ये वो बोल बोल की सेवा तो मजेदार नहीं होती है ना। सो सारी संगत को बहुत सारा प्यार, गुरुजी को नमस्ते। और ऐसा नहीं कि हम जब गुरुजी के पास जाया करते थे तो मैं तो गुरुजी को नमस्ते ही करती थी। कभी कभी वो कहते थे हेलो हेलो कर ना आ जाया करो, पर हमारे मुंह से नमस्ते ही निकलती थी। एंड हम एक दूसरे को कभी जय गुरुजी भी नहीं बोलते थे संगत में, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ये सब चीजें, नमस्ते हेलो हाय, हम वही ऐसी संगत में यही सब करते थे। सो जो आज हम जय गुरु जी कर रहे हैं ये, नहीं प्लीज लाइट ऑन रखो। जब हम जय गुरु जी बोलते हैं तो इसका मायने क्या है कि हम अपने गुरु की ग्लोरी, यू नो जय का मतलब है ग्लोरी टू गुरु जी। तो जितनी बार हम जय गुरु जी करते हैं तो एटलीस्ट वो कहते हैं ना राम राम भी करते हैं, है ना, बोलते हैं ना, कई बार कोई आपको बोल देता है राम राम तो आप भी राम राम बोलते हो। तो इसी तरीके से जब हम जय गुरु जी बोलते हैं तो जय गुरु जी का मतलब है कि आप अपने गुरु को याद कर रहे हैं, और जब आप दूसरे को जय गुरु जी बोलते हैं तो उसके अंदर भी, जो हमारे गुरु जी आपके अंदर भी गुरु जी हैं उसके अंदर भी उतने ही गुरु जी हैं, तो उस गुरु की जय जय कहा है। तो इसीलिए संगत में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बिफोर मैं अपना कोई सत्संग सुनाऊं, मैं दो तीन छोटी बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जब प्लीज अंकल बात ना करें, अंकल को बिठा दो, उनको कुछ चाहिए, ठीक है। पहली बात जो लंगर सेवा में होते हैं, प्लीज वो अपने बाल बांध के करें, यू नो सेवा सबसे ज्यादा जरूरी। जो किचन में होंगे वो बाल बांध के करेंगे, जो लंगर की सेवा डालते हैं या चाय प्रसाद देते हैं उनको बाल बांध के करनी चाहिए, ठीक है, वो जरूरी है। क्योंकि सुनने में मेरे को ये आया, दो तीन जनों ने भी यही बोला कि हमारे लंगर में बाल मिल गया तो आंटी अच्छा टक लेर के आ जाते हैं। मतलब करो, वैसे आप बाल खुले छोड़ के आओ, पर जब आप सेवा में लगते हो तो आपको बाल बांध लेने चाहिए, ताकि लंगर में रोटी में हवा में उड़ते हुए गर्मी में पसीने के बाल तो झड़ेंगे ही ना आपके, तो बाल बांध के किया करो सेवा। और जहां भी जाते हो जो भी है आपको ये बाल बांधने चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि सत्संग में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, बातें करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका 2 घंटे का टाइम आपको गुरु जी ने बड़ी मुश्किल से दिया, बड़ी मुश्किल से घरों से निकल के आए, है ना, हम भी बड़ी मुश्किल से घरों से निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि ओ सत्संग करना है तो चलो जी घर में सारे काम खत्म करके, जो भी अपना अपना काम करता है, कोई ऑफिस का काम खत्म करके आता है, कोई कुछ करके आता है, तो जो 2 घंटे हैं वो आपको परमात्मा ने स्पेशली दिए हैं, तो उसको गवाना नहीं है बिल्कुल भी, किसी चीज के लिए नहीं गवाना। बिकॉज ये पता नहीं अगला सत्संग मिले ना मिले, हम बहुत कहते हैं ना कि अरे तो क्या हो गया, सत्संग में चले जाएंगे, अगले सत्संग में भी जाना है, कुछ पता नहीं है कि हम अगले सत्संग में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए कोई भी एक सत्संग में जाओ, चाहे वो आप एक ही सत्संग में जा पा रहे हो महीने के, पर पूरी शिद्दत के साथ जाओ, बड़े प्यार से जाओ, क्योंकि वो पल आपका है, किसने दिया आपको, गुरु जी ने दिया। So don't waste, मतलब ऐसे waste नहीं करना चाहिए, ऐसे गाल कर ओते गाल कर, और discipline बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कोई कई बार मैं देखती हूँ कि किट्टी पार्टी सत्संग भी होते हैं, है ना, ये किट्टियां डाल लेते हैं हम भाने सिर,
That's also wrong. कहते जी हम तो इकट्ठे इसी बहाने हो जाते हैं, आपको गुरु जी इकट्ठे होने के लिए कोई बहाना चाहिए, कोई किट्टी चाहिए, कोई आपको मतलब कपल किट्टी चाहिए या वट एवर किट इज, आई डोंट नो वट एवर इट इज. क्यों? क्योंकि आप उसको एक जिसको कहते हैं आप उसको वो बना देते हो, कमर्शियल सा बना देते हो कि हम करेंगे तो ही हम गुरु जी से जुड़ पाएंगे, हमारे को वही टाइम मिलेगा. क्यों? क्योंकि उसमें आप शोर ज्यादा मचाते हो और सत्संग कम करते हो. वो किट्टी वाला माहौल तो वैसा ही होना ना. तो इसीलिए आपको बड़ी आवाज, इसलिए आपको बड़ी तो फिर क्रिच क्रिच आ गई है. पीछे रखूं, ऊपर रखूं? अच्छा ठीक है, ऐसे करो. सो जितनी भी सेवाएं हैं आप सत्संग में आते हो तो प्लीज इस बात का ध्यान रखा करो कि कोई भी आप ये मत सोचो कि कौन सा पल आपके लिए गुरु जी ने आज चूज किया है, चाहे वो लंगर प्रसाद के थ्रू, चाहे शब्द के थ्रू आपके जवाब आपको मिलते हैं, आपके मन को ठहराव मिलता है, आपके मन को एक सुकून सा मिलता है, आपकी जो उथल पुथल होती है दिमाग की वो भी कहते हैं कि एकदम शांत हो जाती है. क्योंकि हम जब भी आते हैं सत्संग में, अपने घरों से निकलते हैं, या तो आपकी ना दिमाग कहीं और होता है, परेशानियों उलझने वो तो सबकी है. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी कोई परेशानी नहीं है, सबकी है. फर्क सिर्फ इतना है कि कोई परेशानी दिखा देता है, नहीं तो कोई परेशानी नहीं दिखाता. बट परेशान सभी हैं. जो बहुत हम रेयर लोग होंगे कि गुरुजी ने भी हमको तभी बुलाया ना क्योंकि हम परेशान हैं. गुरुजी ने भी अपने द्वार हमारे लिए तभी खोले कि ये मेरी संगत है, ये मेरी सृष्टि है जो बहुत परेशान है. तो गुरुजी तभी आए, हमारे लिए आए ना. तो हम भी थोड़ा सा वक्त निकाल के, और ये थोड़ा सा वक्त किसका है? आपका है. दुनिया का कोई वक्त नहीं है. आप किसी रिश्तेदारी फ्रेंड सर्कल उसके लिए सत्संग नहीं कर रहे हो. ये जो भी आप आ रहे हो यहाँ अपने लिए आ रहे हो. ये सबसे बड़ा हम गुरुजी के लिए जा रहे हैं. गुरुजी के लिए हम नहीं जा रहे. हम गुरुजी हमें कह रहे हैं तुम मेरे लिए आता है तो मैं तेरे लिए भी तो आता हूँ. तो जब आप गुरुजी के पास आते हैं तो वो अपना आपका टाइम होता है गुरुजी से अपनी लिव लगाने का. बहुत मुश्किल है मिलना. तो ये जो पल मिलते हैं ना, इनको बड़ा संभाल के फूलों की तरह रखा करो, क्योंकि ये नहीं मिलेगा दोबारा से. मैं ना जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, सत्संग मिले ना दोबारा. सो हर चीज के एक मायने है, तो आपको उस मायने को बहुत संभाल के रखना. बहुत जरूरी है कि लंगर भी पूरा खाना है आपने, क्योंकि आई डोंट नो वो एक गिराई आपने छोड़ी, शायद वो एक लास्ट गिराई जो है वो आपका, शायद वो मेडिसिन थी जो आपने छोड़ी. कई बार ऐसे होता था कि जब हम संगत गुरु जी की संगत में होते थे, वहां गुरु जी की चोली में थे जब, तो जैसे होता है ना भाई लंगर खाने से गॉड दो रोटी खानी है, ये सब खाना है, जो बहुत डाइटिंग वाइटिंग करते थे ना, तो वो एक रोटी ऐसे खाते थे, एक रोटी साइड में कर रही. तो कितनी बार ऐसा होता था. तो पर मुझे याद है कि गुरु जी कई बार कह देते थे कि ये जो तुमने लंगर छोड़ा ना, यही तो तुम्हारी ब्लेसिंग थी. तुमने पतले होने के चक्कर में सोचा कि ओ गॉड मैं डाइटिंग पे हूँ तो मैं कैसे खाऊंगी ये लंगर. बहुत गलत करते. बड़े मंदिर जाओ, जैसा भी है ठीक है, कई बार हैवी होता है, हम लोग नहीं खा सकते, पर धीरे धीरे करके खा लेना चाहिए आपको लंगर, क्योंकि वो आपकी मेडिसिन होती है, वो दवाई है. दवाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, दवाई जो दवाई है वो दिमाग के लिए भी है. हमारी आजकल ज्यादातर डिप्रेशन हो रहे हैं, गुरु जी बोल रहे थे डिप्रेशन डिवोर्स सब कुछ है आजकल. तो कहीं ना कहीं ठंडक और सुकून, कहीं हमारी जो दिमागी परेशानी है, गुरु जी उस लंगर से आपको ठीक करते हैं, जल प्रसाद से आपको ठीक करते हैं, चाय प्रसाद से ठीक करते हैं. तो इसीलिए कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको जिंदगी में. जो आपको मिल रहा है वो आपका है, और गुरु जी ने आपको ये मौका दिया कि आ जा मेरे साथ जुड़ ले. और इतने दयालु गुरु जी हैं, इतने दयालु हैं हमारे गुरु जी कि सबको बुला बुला के ब्लेस करते हैं. कोई आना ना चाहे उसको भी बुला बुला के ब्लेस करते हैं, तू भी आ जा तू भी आ जा. कितना इतना सुंदर दर हमारे लिए गुरु जी ने खोला है, इतने बाएं फैला के हमको गुरु जी बुला रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसा गुरु, ऐसे परमात्मा, ऐसे देव, ऐसे बिलावट, सूफी में हम बिलावट कह देते हैं, जैसे इश्क वाले हमारा प्यार,
ऐसा कहाँ मिलेगा जो आपको ऐसे, आप एक एक जने के साथ गुरुजी हैं, जो ऐसे गुरुजी कहते हैं आ जा तू भी, आ जा तू भी, आ जा तू भी, आ जा, आई मीन इतना प्यार करने वाले गुरुजी। सो उनको पहले तो प्यार बहुत करो। हम परेशान हैं सारे ही, अंदर से टूटे पज्जे, किसी का कुछ काम नहीं हो रहा, किसी का कुछ नहीं हो रहा, कर्मों के अनुसार हमारे कुछ मिलता है फिर छिन जाता है, फिर जो छिना हुआ है फिर वो वापस मिल जाता है, फिर किसी का कुछ हो जाता है, किसी का मकान नहीं है, किसी की दुकान नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी की शादी नहीं है, जो भी आपकी जिंदगी के अंदर है वो उनकी रजा से है। मान लो यही है सब कुछ, बाकी देने वाला बैठा है। क्या उनको हमारे हर पल की खबर नहीं? सब खबर होती है। आप क्या सोचते हो वो भी पता होता। ऐसी इस बात से याद आया कि वो आपके दिमाग, आपके दिलों के अंदर विराजते हैं, बैठते हैं, क्योंकि वो अंदर है इसलिए वो हमारी सारी बातें जानते हैं। बाहर होते तो हम एक पल को कोई सोचते ना चाहिए बाहर है, पर वो अंतर्यामी है, वो हमारे अंदर मन के अंदर बैठे हैं। ऐसा नहीं कि बाहर हमको ढूंढना है, हमको कि हमको सिर्फ फोटोग्राफ में गद्दी में ढूंढना है। ये तो हमारे को एक जिसको कहते हैं ना एक जुगत है कि चलो हम यहाँ बैठेंगे हमें फील होएगा, वो फील होएगा तो वो आपको अंदर से फील होता है, बाहर से तो नहीं आपको कुछ फील होता। तो फीलिंग आपके अंदर है तो गुरु आपके अंदर है। ऐसे ही इस चीज का मैं सत्संग सुनाती हूँ कि आपके अंदर की बात वो सब जानते हैं, पहले भी जानते थे अब भी जानते हैं। जब गुरु जी चोले में थे तो चलो अच्छा स्वीट सा सुनाते हैं, बहुत सारे कहते हैं ना आज खुश होके जाए, है ना, होली होली तो चलो ठीक है, होली ऐसे गुरु जी के यहाँ कोई सब संगत जाके लेते, गुरु जी कोई होली नहीं कहते कि ये रंग लगा इसको लगा उसको लगा, गुरु जी के प्यार में वो कहते मेरे प्यार में रंग जाओ तो ये कलर भी ठीक है ना। हम तो फिर वो बना देते, गुरु जी तो हमें एंटरटेनमेंट देते हैं ना, जा होली खेल ले बड़े मंदिर में, या होली तुम आपस में खेल लो, बस खुशियां हैं ये, तो गुरु जी हमें खुशियां देते हैं तो इसलिए हम होली मना लेते हैं, डांस कर लेते हैं, ये खुशी के पल होते हैं। तो ऐसे ही मन की बात कैसे वो जानते हैं आपके, आपका जो थॉट 10 दिन पहले भी आया होगा, 10 महीने पहले आया होगा, 1 साल पहले भी आया होगा, वो भी गुरु जी अपने पॉकेट में संभाल के रखते हैं। जैसे पहले मैं जब पहले दिन जब गई थी तो मैंने बोला बड़ी अच्छी गुरु जी बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू है, पता करना पड़ेगा कहाँ से लेते हैं, मेरे को परफ्यूम का शौक है बहुत, तो ये वाला मुझे पता नहीं था कौन सा परफ्यूम होगा, बाकी सब तो ऑलमोस्ट परफ्यूम से ही मेरे पास, तो ये मेरे को ये वाला नहीं है मेरे पास। तो इसे मन के ख्याल बताती हूँ कि जब मन की बात है कि खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है और कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। तो 1-1.5 महीने बाद ऐसे गुरु जी नीचे बैठे थे और फर्स्ट डे जब मैं गई थी तो ये ख्याल आया। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, अभी वो कहते हैं ना धीरे धीरे जब आप इश्क में गिरफ्तार होना शुरू होता है तो खिंच पड़ती है, एक ऐसी अजीब सी खिंच होती है, पूछो मत, मतलब ऐसे खींचे चले जाते हो ना, जैसे नया नया प्यार होता है ना आपका, तो आपको लगता है इसी के साथ बैठूं तो हंस रही हूँ और इसी के साथ मैं टाइम बिताऊ, मतलब वो एक रूहानी इश्क होता है, ये ऐसा नहीं मैं जो इंसानी इश्क की बात नहीं कर, तो आप खिंचते हो, जैसे आप भी आज गुरु के पास खिंचे चले आए हो उसी तरीके से मैं भी खिंचती हूँ। तो एक दिन ऐसे गुरु जी नीचे बैठे थे और मुझे कहते हैं तेनू पता है महापुरुष ना कभी परफ्यूम नहीं लाते, उन्होंने अपनी खुशबू होती है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु, क्योंकि मैं तो भूल गई, मेरे दिमाग में कहीं से दूर दूर नहीं था कि मैंने ये सोचा था, सिर्फ एक ख्याल आया और इतना। तो जवाब दिया उन्होंने मुझे, भले 1 महीने बाद दिया, मेरे को पता है कि ये भूल जाएंगे, पर गुरु भूला नहीं, भूले कैसे भूल सकते हो। ऐसे ही जैसे 14 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है तो मैं गुरु जी के पास 12 फरवरी को गई और ऐसे ही गुरु जी मैंने जब वो नीचे बैठते थे अपनी पैंट शर्ट में पीछे ना ऐसे तकिया सा लगा के पोले पोले से क्यूट क्यूट से छोटे से लगते थे, मतलब जब गुरुजी रोब्स में आते थे अपने चोले में आते थे तो ऐसे लगते थे कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, तो उनसे बात करने में झिझक होती थी, पर जब वो नीचे जैसे आम बैठे होते थे तो बड़ा रस आता। सो हम भी मैं ऐसे गुरुजी के साथ बैठी तो मैंने गुरुजी को ऐसे बोला, मैंने कहा गुरुजी 14 तारीख को मेरा बर्थडे है, ट्यूजडे को आप आओगे दर्शन दोगे? कह रहे हाँ आवाँगा, मैं तो बड़ी एक्साइटेड, पहले तो मुझे गुरुजी को ना मैंने तो बुला तो लिया, बाद में करना क्या होता है गुरुजी के लिए, ये तो वक्कल ही कोई नहीं थी मुझे तो, मेरे घर में तो कितनी अजीब अजीब तरह की पेंटिंग्स लगी हुई थी, फिर मैं सोचू इनको छुपा दूँ,
फिर मैं अच्छा ये करूँ, क्योंकि मुझे जो भी शौक थे तो वो दीवारों में लगे हुए थे, तो मैं सोचते आए अब आएंगे गुरु जी इसको ढकूँ, अब इसको क्या करूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। एंड फिर मुझे गुरु जी ने ना वो चॉकलेट्स दी, गुडाइवा की 12 चॉकलेट्स, वो बॉल जैसे फेरो रोशे होती है वो वैसे ही। एंड तो उन्होंने मेरे को दिया, बोला 3 दिन में तुम्हें खत्म कर ली। और मैंने कहा अच्छा, और मेरे को ना चॉकलेट्स खाने की पसंद नहीं है, अरे मेरे को जैसे लोग क्रेजी हैं, मेरे को चॉकलेट्स खाना नहीं अच्छा लगता, एक खा लो कभी तो ठीक है, बट 4 खानी है एक दिन में, 12 थी। ओह मेरे से बड़ा औखा हुआ, मैंने कहा खा तो लूँगी लंच ब्रेकफास्ट लंच डिनर बीच में शाम की चाय फिर डिनर, 4 दिन खाए मेरे तो इधर तक बड़ा, कहते किसी को देनी नहीं है तो छुपा के रखी और खाई अकेले। अच्छा ठीक है, मोदी और एक गुरु भी कैसे लीलाएं रचते हैं हमें नहीं पता है गुरु की क्या लीला होती है। और मुझे अताउल्लाह खान की 2 VCDs दी, पर कैसी वाली VCDs, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को, खून भर गुमा खून की मेहंदी ये वो, मतलब जितनी बेराग होते ना अताउल्लाह खान के, तो उसी टाइम के वो पुराने गाने, तो गिफ्ट मिला मुझे वो। अब वही जान सकते हैं क्या राजा, मैंने तो सुने नहीं, जब गुरु जी चोला छोड़ा मैंने सुनी, मैंने कहा ये क्या गिफ्ट दिया गुरु जी ने मुझे, खून भरे मेहंदी यार की पदरी, वो एक CD है मेरे पास, दोनों पड़ी है VCD। और मैं कहा ये उनकी लीला है, वो क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। वो मेरी अपने कहते मैं ट्यूजडे को रेडी हो गई कि फटाफट सुबह 7 बजे नहा के सूट पहन के, क्योंकि घर में आप पैंट शर्ट पहनते हो या पजामा टी शर्ट्स पहनते हो, तो मैंने अपना जैसे मैं गुरुजी के लिए हम लोग सूप में तैयार होते हैं वैसे बिंदी बिंदी लगा के 7:30 रेडी कि पता नहीं कब आ जाए गुरुजी। तो बाकी सब सो रहे थे, मुझे टेंशन होती है गुरुजी आए ये सारे सो रहे हैं, फिर कितना आपके दिमाग में उथल पुथल होती है गुरुजी आ रहे हैं अब ये होगा फिर वो होगा अब गुरुजी को पसंद क्या है। एनीवे तो ऐसे ही मेरे वेट करने लग गए, और जैसे हर आहट पे तब मैं सेकेंड फ्लोर पे रहती थी, तो हर आहट पे लगे जैसे कार कोई रुके, तो ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी आने वाले, मैं बाहर भागती थी बालकनी में नहीं आए, मतलब कोई भी कार रुके वहां से वहां तक आए, हर कार जो रुके मेरे को लगता था कि गुरुजी ना आ जाए, फिर मैं भागूंगी नीचे लेने के लिए, मतलब वो चाव चढ़ता है ना आपको जैसे। एंड दोपहर को मेरे बच्चों के स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी माएँ आपकी फ्रेंड्स बन जाती हैं, तो वो आ गए फर्स्ट टाइम हैप्पी बर्थडे विश करने, तो ये करने आए, तो मेरे मन में था ये कब जाए, पता नहीं कब गुरुजी आ जाए, मतलब खिंच जाते हो आप। तो मैं इनसे गुरुजी की बातें करने लग गई, मैंने कहा ऐसे गुरुजी हैं और मैं गुरुजी की वेट कर रही हूँ, आज गुरुजी आएंगे। अच्छा कौन गुरु, क्योंकि वो लोग सब ना गुरुओं को मानने वाले नहीं थे, मतलब वो हाईफाई टाइप होते हैं ना थोड़े से, ओ गॉड हम जब बूढ़े होंगे तब हम मानेंगे, अभी तो बहुत टाइम है हमारे। मैंने कहा अच्छा, सो ये करते करते मैं इनसे बात करूँ गुरुजी की, और मेरे हाथों में से गुरुजी की खुशबू आ जाए, क्योंकि मैं बहुत बोल रही थी, क्योंकि मेरे को कुछ सूझता ही नहीं था गुरुजी की बात के अलावा, मुझे कुछ आता ही नहीं था करना, क्योंकि सबसे धीरे धीरे मेरी सारी फ्रेंड सर्कल से मैं कट ऑफ होनी शुरू हो गई। सो ऐसे करते करते मैं वो कपड़े धोने वाले साबुन से भी हाथ धोए, क्योंकि वहम होता है ना कि दूसरे हमारे पास जो लिक्विड होते हैं वो थोड़े खुशबू वाले होते हैं, फिर बात करो फिर खुशबू, मैंने पंगा नहीं लेता किसी को बोल भी दिया, वो कहते तेरे में से मैंने कहा सुनना तो कह रही बड़ी खुशबू आ रही है यार ये, मैंने कहा चलो। अब ये फर्स्ट प्रमाण था उनका कि आपको सब सुन रहे होते हैं पता होता है। एनीवे शाम को वो कहते हैं हम ना अपने हस्बैंड के साथ आ जाएंगे, ओ मैंने कहा सियाप्पा, मैंने कहा वो फिर आपको ड्रिंक्स भी रखती हैं आपको नॉनवेज भी रखते हैं और एक छोटी सी पार्टी थी तो आपको सब करना होता, वो सब किया और वो हस्बैंड भी आ गए आधे ज्यादा पी गए, ओ गॉड मैंने कहा अब क्या होगा पता नहीं, अब गुरु जी आए तो मैं क्या करूँगी। तो आपका दिमाग ऐसे चल रहा है एंड 12 बज गए रात के, गुरु जी नहीं आए, और मैं बड़ी बाहर यू नो बालकनी में उदास थी, सारे बस ऑलमोस्ट सोने चले गए थे, तो मैं बस दरवाज़ा लॉक करने गई, तो मैं गुरु जी को बोला आज मेरा बर्थडे, तो मैं रोई, और जब मैं रोई तो मैं गुरु जी को बोला आपने मेरा बड़ा दिन दिखाया, जब आए मैं सारा दिन सुबह से यू नो खड़े पैर उनकी वेट कर रही थी, मैंने कहा अब आए नहीं और बड़ा दिल दुख गया मेरा, मैं रूट गई वहाँ से, मुझे मनाओ तो मैं मानूंगी नहीं तो रहने दो। तो नेक्स्ट डे फोन आता है मुझे कि
ऐसे ना गुरु जी के दांत में बड़ा इमरजेंसी दर्द हो गया था, तो इसलिए वो डेंटिस्ट के पास गए थे। मेरे को पहले ही बोले थे, मैंने लामा दिया उनको। सो एनी वे थर्सडे को वही फ्रेंड्स को मैं दांत लेके गई, और वही फ्रेंड्स को मैंने बोला गुरु जी ये मेरी फ्रेंड्स है, हाँ हाँ चल जाए आया करो। कहते हाँ बर्थडे वाले दिन जितने तो मेरी चूड़ियां कर रही थी ना वही आ गया ना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, मैं चूड़ी नहीं कर रही थी गुरु जी मैं ये। सो एनी वे उन्होंने बोला बैठो, लगता था बड़े प्यार से गुरु जी सबको बिठाते थे, ऐसा जैसे तुम जैसे आप संगत को लेके जाते हो बोलते प्यार से। फर्स्ट टाइम आता है तो आप उनको पहले अपनी सीट ऑफर करोगे, तू बैठ जा तू कलेक्ट हो जा। सो ऐसे गुरु जी सबको सारी संगत को जो पहली बार आता था, बड़े प्यार आया करो आंधे जा करो ऐसे करके बोलते थे। सो बैठी और मैं वहाँ पर थोड़ी देर मुझे लगे आ जाए चरण दबाने इनके लगे, और मैं ये चरण दबाने देखती हूँ क्या सॉफ्ट सॉरी तो खुशबू बड़ी आती थी ना, बंदा उसी में नशे में हो जाता था। और उनके चरण अपनी गोदी में रख के फिर मैं पोले पोले से दबा रही थी, और वो मुझे टेढ़ी टेढ़ी मुस्कुराहट से देख रहे थे, कभी कैसे कभी कैसे कभी ऐसे थे ना ऐसे लग रहे आँख मार रहे हैं ना ऐसे करके और मुस्कुराए जा रहे हैं। मैंने कहा आज गुरु जी ने मुझसे अपनी सेवा ली, और जो भी था रेयर मिलती थी कभी कभी, तो मैं बैठ गई लंगर वंगर खाया। मन में सोच रही हूँ कि ये क्या हुआ है, मतलब आज गुरु जी कैसे टेढ़े टेढ़े क्यों देख रहे थे, कितना मुस्कुरा रहे थे, अजीब अजीब तरह की मुस्कुराहट। ओए होए एकदम से वो फ्लाई एकदम से हिट करता है ना, उस टाइम तो भूल जाते हो उसे हिट करता है। मैंने गुरु जी को कहा था मैं तो मैं रूम रही हूँ, आप मुझे मनाओगे तो वो मना ही तो दे। सो ये प्यार है गुरु का आपके लिए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है कि आपकी जिंदगी में भी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता है, आपको सच में पता है कि आपकी जिंदगी में गुरु जी ने कैसे बदला है, कैसे आपकी सुन ली छोटी सी बात सुन ली आपकी, जो जो कोई आपकी केयर नहीं करता वहां पर आपकी गुरु जी केयर करते हैं, वो आपकी छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। आपको आपको अकेले डर लगता है नहीं जाना, संगत आ जाएगी आपके साथ, कहीं आपको मंदिर से वापस आना है गुरु जी मैं पहुंच तो गई पर वापस कैसे आऊंगी, उसका भी गुरु जी आपका इंतजाम कर देते हैं, वो अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं। और खासकर अपनी जो बदन संगत है जो उनकी आंटीज हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं, और हमेशा याद रखना कि जितनी भी संगत आंटीज आती हैं कोई भी है एक उनका ना इज्जत मान करना जरूरी है चाहे कहीं भी हो, क्योंकि गुरु जी को वही संगत प्यारी होती है जो एक दूसरे का इज्जत मान करे और बड़े प्यार से बोले। गुरु चिड़के आनंद है ना, जय गुरु चिड़के तनीठा लागे है ना, और जय बख्शे तो गुरु अड़ियाई, तो जब वो हम एक दूसरे को नहीं झिड़क सकते, हम एक दूसरे को गंदा नहीं बोलते, चाहे वो ठीक है वो गलत कर रहा है, उसका दो तरीके है, या प्यार से समझा दो या उसको ऐसे बोलो तुमको तो पता ही नहीं है, मतलब ऐसी सेवा करनी ना करने के बराबर, क्योंकि वहां परवाह नहीं चढ़ती। जितना प्यार से बोलोगे मिठास से बोलोगे एक तो दूसरे को सुनने में अच्छा लगेगा और खुद भी शीतल होते, जैसे आप कड़वा बोलोगे तो इसका मतलब कड़वाहट आपके अंदर है। किसी को बोलते तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुमको सेवा नहीं करने आती, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, अरे कुछ नहीं हुआ। गुरु जी पत्तल से भी खाते थे, गुरु जी हाथ में रोटी रख के भी रोल करके खाते थे, उनको प्लेटों की जरूरत नहीं थी, उनको कुछ भी जरूरत नहीं थी, वो अपने कई बार किचन में जाते हाथ में रोटी रखते उसमें सब्जी रख के रोल करके खा लेते। ये गुरु जी सिंप्लिसिटी के हैं, सादगी के हैं, ये जितने आडम्बर है इनको ये भोग लगा दो। ड्राई फ्रूट का भोग सबसे पहले तो गलत है, आप ड्राई फ्रूट ऐसे बांटते हो जैसे पता नहीं गुरु जी ने कभी ड्राई फ्रूट का भोग नहीं लगाया। वो जब आरती की थाली में जब वहां पर बड़े मंदिर में बड़े फंक्शन होते थे तो उसमें कुछ रख देते थे, एक मीठा एक ड्राई फ्रूट आप रख सकते, बट सारी संगत के लिए एक ही चीज होनी चाहिए। जो फोर भी कर सकता ड्राई फ्रूट तो क्या वो सत्संग नहीं कर सकता, सत्संग सफल नहीं होगा क्या, उसकी आरती सफल नहीं होगी। तो इसलिए एक समान आपको रखना चाहिए, सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे सत्संग उतना ही बढ़ेगा। एक और बड़ी अच्छी छोटी सी बात सुनाती हूँ, आज मैं जब आ रही थी तो
दिमाग में आए, कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए हमें तो गुरु की क्या जरूरत है। मेरे साथ ऐसे बड़े इंस्टेंस हुए, प्लीज क्वाइट, कि जब मैं घर वापस आती थी तो कभी मतलब मेरे हस्बैंड कभी कभी जाते थे, एंड तो शाम को जब मैं वापस आती थी गुरु जी के पास से, तो एक उनके फ्रेंड होते थे, वो उनके साथ बैठा करते थे, अपना एक दो ड्रिंक लगा के बैठ जाते। तो जैसे मैं वापस आती तो वो कहते क्या तू गुरु के चक्कर में पड़ गई, कि गुरु ने अच्छा इंसान बनो और अच्छे कर्म करो, बस भाई परमात्मा तो यही है सब परमात्मा। मैं कहा नहीं नहीं, मैं कहा हम अच्छे कर्म भी करेंगे, अच्छा व्यवहार भी करेंगे, बट मैंने तो मुझे रस आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खिंचाव है। तो जब आना उन्होंने मुझे क्या कहते हैं ये बोले ना, क्या ये गुरु के चक्कर में ये भगवान होगा नास्ते। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखो आप अपने भाव से चलो, मेरे को जहाँ जा रही मैं जा रही हूँ, आपको नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा भी नहीं लगा। एनीवे थोड़े दिन बाद मैं लंगर खा के बाहर निकली तो मैंने देखा वही अंकल वही फ्रेंड सामने गुरु जी के पैसे के बाहर लोटा लेके खड़े। मैंने कहा गुरु जी, उन्हें हंसी आ गई। मैंने बोला अरे शौक लगता है ना कि जो आपको ऑलमोस्ट एवरीडे बोला है कि ये ऐसे ऐसे हैं और अचानक से यू नो आपको नजर आए। तो मैंने बोला कैसे, कहते मुझे कैंसर है और लास्ट ईयर कैंसर मुझे बताया गया, तो हमारे फ्रेंड ने बोला कि गुरु जी हैं उनके पास चलो। मैं तो आ गया, मुझे क्या पता ये तेरे ही गुरु होंगे। सो मैंने कहा एक तो बोले ना कि तेरे गुरु, तो मुझे तो बड़े अच्छा लगता है, बुरा ही नहीं लगता मुझे। कहते हाँ मेरे मेरे किसी कोई आपको बता ना ये तेरे गुरुजी ने क्या किया, तू गुरुजी के पास जाती है तेरे गुरुजी ने तेरे किया क्या। पहली बात वो बोलते ना तेरे गुरुजी तो वो अपने ही हुए ना, अरे उसी में बंदा की जान निकल आती है, बुरा भी नहीं लगता। सो उन्होंने जब ये बोला फिर उन्होंने गुरुजी ने उनको ठीक किया और वो गुरुजी से ऐसा जुड़े कि वो फिर बाद में गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद लंगर में चटनी कुछ बना और पत्ते गार धनी वो सब ये सोचो कि हम कभी कहते हैं ना कि हमें जरूरत नहीं है, हमें पता नहीं होता कि हमारे अगले मोड़ पे हमें कब गुरु की जरूरत पड़े, कब अपने परमात्मा की जरूरत पड़े। अपना अच्छा कर्म करो पर जो गुरु आपको रस दे रहे हैं वो भी लो, है ना। तो इसीलिए कोई भी बात जो भी यहाँ बैठे हैं सबके मन की बात जानते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये मत सोचो कि आप किसी से कम हो, है ना, कि आप मतलब इसकी तो सुन ली मेरी तो सुनी नहीं, है ना। बट ये याद रखना कि आपके वो अंदर की बात जानते हैं, आपकी कितनी सफाई हो रही है, कितने जन्मों की सफाई हो रही है, ये तो वही जानते हैं ना। एक एक इंसान का जो कर्म होता है अलग अलग होता है, सबकी जर्नी अलग है। आपका कर्म पिछले जन्म में कुछ और था, मेरा कुछ और था, इनका कुछ और था, तो उनको पता है वो कर्मों के हिसाब से था। तो कई बार इंसान एक दो तीन चार साल से जा रहा है, तो जितना वो जा रहा है उतनी वो सफाई हो रही है, सिर्फ मन की मैल उतर रही है आपके अंदर से बदल रहे हो। तो आपका कर्म वो कहते हैं ना आपका कर्मों का बैंक बैलेंस है वो अच्छा बनता जा रहा है। तो जितना आपका बैंक बैलेंस आज है, आज खत्म हो गया जीवन, तो अगले जन्म में जाएगा ही जाएगा। ये गुरु ने हमको ये बात तो बताई है कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहते थे, मतलब एक सोल जब दूसरी बॉडी में जाती है अपना कर्म लेके। सो इसीलिए आप बात देखो कि आपके अंदर बदलाव कितना आया है ना। तो इसलिए अपना जितनी बार जाओगे बोलो कि हाँ मैं शायद इतना मैला हूँ कि मेरी सफाई हो रही है तो कोई बात नहीं। सो इसीलिए अपनी हिम्मत नहीं हारना और अपने आप को लकी समझो कि आपको एक दरबार मिला, एक गुरु मिला, एक जिसका गुरु इतना प्यारा गुरु मिला है, जिसके हाव भाव आप देख रहे हो इतने प्यारे क्यूट से, हर एक्सप्रेशन उनका क्यूट ही दिखता है। सो जय गुरु जी इस मोड पर, और बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में, और बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपने आप आपकी झोली में। ये तो गुरु जी की मर्जी है, पर हमारी इच्छा है कि सबकी झोलियाँ ब्लेसिंग से भर जाए। कैसे भी कर्म हो गुरु जी आप जानो, आपको पता है। तो वो कहते हैं ना हमारे कर्मों के तरफ मत देखना गुरु जी, हम तो हैं ही पता नहीं कौन सी चीज़ों के
लेके आए हैं, तो आप लेखा जोखा अपने आप में सो बहुत सारा प्यार करना है गुरु जी से और डिसिप्लिन रखना है, सत्संग में जाना है, अपने लिए जाना है, सत्संग में जाना है कि मेरा ये टाइम है, सेल्फिश बन जाओ, मेरा टाइम है मेरे परमात्मा का, ये मेरी आत्मा का टाइम है परमात्मा के साथ। सो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार, मुस्कुरा रहे जैसे लंगर खाली हो, मुस्कुरा रहे जो लंगर खाले हो, मुस्कुरा सकते निकल मत जाना अपने दिमाग में। सो और कोई अगर सत्संग करना चाहे शॉर्ट में, हाँ